Hey guys, this is Future Mobility. My name is Shreyas and you are watching Fumo EV News number 52. This is a weekly roundup show जहाँ पे मैं आपको देता हूँ all the news and updates related to what's happening in the electric vehicle industry. So this is your one-stop shop for all things EV. अगर आप एक technology and automotive enthusiast हो like me, you should definitely consider subscribing to my channel and also hit that bell icon. So you'll get notified every time I post a new video. मेरे recent YouTube analytics से मुझे पता चला कि आप में से जितने लोग मेरे videos को देखते हैं उनमें से सिर्फ 2% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है. क्यों करते हो यार ऐसा? प्लीज़ वाई यू डू दिस? अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है एंड यू वॉन्ट टू गेट वीकली अपडेट्स अबाउट द ईवी इंडस्ट्री, डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. इससे मेरे चैनल को ग्रो होने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और मैं ऐसा कॉन्टेंट आपके लिए कंसिस्टेंटली ला पाऊंगा. मेरे हर एक वीडियो पर आपके लाइक्स आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे हर वीडियो पर जितने ज़्यादा लाइक्स होंगे YouTube एल्गोरिथम को लगेगा कि मेरे वीडियो ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहे हैं और वो आगे मेरे वीडियो ज़्यादा लोगों को रिकमेंड करेंगे. सो डू हिट दैट लाइक बटन ऑल्सो. तो आपको और टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि आज का वीडियो भी हमेशा की तरह बहुत ज़्यादा गर्मा गर्म और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर ऑफ अ टाइम, लेट्स गेट ऑन विद द न्यूज़. तो आज की न्यूज़ नंबर 1 आ रही है ओप्पो से. आई एम श्योर आप में से हर एक ने ओप्पो का नाम ज़रूर सुना होगा, और आपके फैमिली या फ्रेंड सर्कल में आप बहुत से ऐसे लोगों को जानते होंगे जो ओप्पो के स्मार्टफोन को यूज़ करते हैं. बट आज के ईवी न्यूज़ में हम ओप्पो की बात क्यों कर रहे हैं? आई मीन व्हाट हैज़ ओप्पो डन रिसेंटली कि उन्हें ईवी न्यूज़ में फीचर होने का चांस मिल रहा है? आप लोगों को ये जानकर हैरानी हो सकती है, और मे बी नॉट, बिकॉज इस वक्त बहुत सारी टेक कंपनीज लाइक एप्पल, सोनी एंड Xiaomi इस वक्त अपनी खुद की EVs को मार्केट में उतारने का प्लान कर रहे हैं. यस, यू हर्ड इट राइट. इन सब टेक कंपनीज के बाद अब ओप्पो भी EV मार्केट में उतरने की सोच रहा है, और रिसेंट न्यूज़ की माने तो ऐसा पता चल रहा है कि ओप्पो बाय द एंड ऑफ 2023 या फिर अर्ली टू मिड 2024 तक अपनी ब्रांड न्यू EV को लॉन्च कर सकते हैं. 91 मोबाइल्स की एक रिपोर्ट की माने तो ऐसी खबर निकल कर आ रही है कि ओप्पो ने ऑलरेडी एक EV प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है, और वो मैक्स 2024 तक इस EV को इंडियन मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. उसके साथ ही इसी साल कुछ टाइम पहले ऐसे रिपोर्ट्स निकल कर आए थे जिससे हमें पता चला था कि ओप्पो के CEO टोनी चैन ऐसी कंपनीज के साथ मीटिंग्स करने की ट्राई कर रहे हैं जो बैटरीज को मैन्युफैक्चर करते हैं और बाकी के EV कंपोनेंट्स को टेस्ला जैसे जायंट कंपनी को सप्लाई करते हैं. आई मीन जस्ट इमेजिन एन EV कमिंग फ्रॉम अ ब्रांड लाइक ओप्पो, जो फ्यूचर में टेस्ला जैसा परफॉर्मेंस और रेंज प्रोवाइड कर पाए और उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा कंपिटिटिवली प्लेस किया होगा. साउंड्स ग्रेट राइट? और ये बात शायद आने वाले कुछ सालों में सच भी हो सकती है. सो ओप्पो इज वर्किंग ऑन देयर ओन EV प्रोजेक्ट, और मैं पर्सनली इस न्यूज़ को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ. एंड आई रियली वॉन्ट टू सी कॉम्पिटिशन फ्रॉम बिग टेक कंपनीज, क्योंकि वो आने वाले समय में हमारे EVs को ज़्यादा एडवांस्ड बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर सॉफ्टवेयर एक्सपर्टीज फ्रॉम डेकेड्स ऑफ वर्क. आई मीन ऑल EV मैन्युफैक्चरर्स आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन IoT इनेबल्ड EVs एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, और ओप्पो, एप्पल एंड Xiaomi जैसे ब्रांड्स इन EVs के सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा यूजफुल और फ्यूचर रेडी बना सकते हैं. वाओ, आई एम रियली हैप्ड अबाउट दिस एंड आई एम गोइंग टू कीप ट्रैक ऑफ ऑल द अपडेट्स रिलेटेड टू दिस न्यूज़. और अगर आप भी मेरी तरह इस स्टोरी से रिलेटेड सारे अपडेट्स की जानकारी रखना चाहते हो, then hit that subscribe button right now.
और आज की न्यूज नंबर 2 आ रही है टीवीएस मोटर्स से। TVS had already announced that they are planning to invest in and expand their manufacturing facility in Hosur. और उस न्यूज़ को मैंने मेरे वन ऑफ द प्रीवियस फ्यूमो ईवी न्यूज़ वीडियो में कवर भी किया था। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। और अब उसी स्ट्रेटेजी को आगे चलाते हुए TVS मोटर्स ने रिसेंटली एक MOU या फिर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर लिया है विथ द तमिलनाडु गवर्नमेंट। और इसके चलते वो ₹1200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करने वाले हैं। इस इन्वेस्टमेंट को यूज़ करके डिज़ाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, इन सब पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। और ईवी स्पेस में कैपेसिटी एक्सपेंशन भी किया जाएगा जिससे वो ज़्यादा ईवीज को मैन्युफैक्चर कर पाएंगे, विच विल इवेंचुअली हेल्प देम इन कैटरिंग द राइजिंग डिमांड फॉर ईवीज इन द कंट्री। TVS मोटर का मानना है कि वो ईवीज के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और ग्रीन फ्यूल के टेक्नोलॉजी को लीड करना चाहते हैं एंड दे विल श्योरली ब्रिंग ग्रेट प्रोडक्ट्स इन टू द टू व्हीलर मार्केट। सो TVS मोटर्स हैज नाउ गॉटन सीरियस अबाउट देयर ईवी पोर्टफोलियो एंड ईवी मैन्युफैक्चरिंग एंड आई एम श्योर आने वाले कुछ सालों में हमें उनके तरफ से बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। सो लेट जस्ट वेट फॉर नाउ बिकॉज ओनली टाइम विल टेल। और आज की न्यूज नंबर 3 आ रही है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक से। अब जिन लोगों को ग्रीव्स इलेक्ट्रिक इस कंपनी के बारे में नहीं पता है, मैं उनको बता दूं कि ये ग्रीव्स कॉटन इस कंपनी की एक सब्सिडरी है एंड दे हैव बीन वर्किंग इन इंडिया सिंस लेट 2010s। अगर प्रेजेंट की बात करें तो ग्रीव्स इलेक्ट्रिक ने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए एक अलग सब ब्रांड बना दिया है जो आज एम्पियर इस नाम से इंडिया में जाना जाता है। एंड आई एम श्योर आपने अब तक एम्पियर की एक दो गाड़ियाँ आपके आसपास देखी होंगी। उनके लाइनअप में रियो, जील, मैग्नस और मैग्नस EX ये मॉडल्स अवेलेबल है और वो इस वक्त इंडिया में अच्छे नंबर्स के साथ बिक रहे हैं ऑल थैंक्स टू MPS ऑफलाइन नेटवर्क एंड देयर पैन इंडिया सर्विस सेंटर्स विथ मोर देन 7,000 टच पॉइंट्स टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस टू देयर कस्टमर्स। उन्होंने लास्ट मंथ 7,500 से ज़्यादा यूनिट्स को सेल किया था। लेकिन आज की न्यूज़ कुछ और है। इट इज़ रिलेटेड टू ग्रीव्स इलेक्ट्रिक्स फ्यूचर प्लान्स दैट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ करंट बिजनेस। तो रिसेंट न्यूज से ऐसा पता चल रहा है कि ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अपनी सबसे लार्जेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन कर दिया है एंड इट इज़ लोकेटेड इन रानीपेट इन तमिलनाडु। ये ईवी प्लांट 35 एकर्स में सेटअप किया गया है और इसे बनाने में लगभग ₹700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया है। द इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इज एमिंग टू प्रोड्यूस 1.20 लाख यूनिट्स एवरी ईयर। और इस फैसिलिटी में 70% ऑफ द वर्कफोर्स में सिर्फ महिलाएं होने वाली है, विच इज गुड स्टेप बाय ग्रीव्स इलेक्ट्रिक इन माई पर्सनल ओपिनियन। उसके साथ ही एम्पियर ने रिसेंटली उनकी लेटेस्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर को कुछ दिन पहले ही लॉन्च कर दिया था, विच इज द मैग्नस EX। और इस स्कूटर की कीमत ₹68,999 रखी गई है। इट हैज अ क्लेम्ड रेंज ऑफ 121 किलोमीटर्स एंड अ टॉप स्पीड ऑफ 50 km/h। सो आई थिंक इस नए ईवी प्लांट की मदद से मैग्नम EX को बड़े वॉल्यूम पर मैन्युफैक्चर करना इजी हो जाएगा और आने वाले समय में इस गाड़ी के सेल्स हमें बढ़ते हुए दिख सकते हैं। सो ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हैज बिल्ट एंड ओपन अ न्यू ईवी प्लांट इन तमिलनाडु एंड इट इज ओनली गोइंग टू इंक्रीज देयर सेल्स इन कमिंग ईयर्स और सो। और आज की न्यूज नंबर 4 आ रही है गुजरात बेस्ड ईवी मेकर ग्रेटा से। ग्रेटा, लाइक आई सेड, इज अ गुजरात बेस्ड ईवी मेकर जिन्होंने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के मार्केट में ऑफिशियली एंट्री कर दी है एंड दे हैव लॉन्च्ड नॉट वन, नॉट टू, बट 4 न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर्स। इन इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का नाम है हार्पर ग्लाइड, ई वेस्पा और हार्पर ZX।
इस स्कूटर्स की कीमत ₹60,000 से लेकर ₹92,000 के बीच में रखी गई है। अगर फीचर्स की बात करें तो इन सारी स्कूटर्स में हमें 48 वोल्ट या फिर 60 वोल्ट की लिथियम आयन बैटरीज देखने को मिलती है, जिनकी रनिंग कैपेसिटी 70 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर पर चार्ज तक ऑफर की जाती है। उसके साथ ही हार्पर ई वेस्पा एंड हार्पर ZX मॉडल्स फीचर ड्रम एंड डिस्क ब्रेक कॉम्बो, वाइल द ग्लाइड कम्स विथ डिस्क ब्रेक्स ऑन बोथ व्हील्स। इन गाड़ियों में और भी कई सारे फीचर्स दिए गए हैं, लाइक DRL, EBS, रिवर्स मोड, ATA सिस्टम, स्मार्ट शिफ्ट, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर डिस्प्ले, कीलेस स्टार्ट एंड एंटी थेफ्ट अलार्म। इन चार स्कूटर्स को मिलाकर बात करें तो हमें टोटल 22 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और इनमें हमें एक्स्ट्राला स्टोरेज स्पेस भी मिलता है। नाउ लुकिंग एट दीज नंबर्स, आई थिंक ग्रेटा इलेक्ट्रिक इज ट्राइंग टू सेल दीज इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इन द बजट कैटेगरी और ये शायद एक सही मूव साबित हो सकता है। बाय द वे, मैं इस कंपनी के इंट्रो में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना भूल गया, कोई नहीं अभी बता देता हूँ। सो ग्रेटा इज एक्चुअली सेलिंग दिस EVs नॉट ओनली इन इंडिया बट इन अदर मार्केट्स ऑल्सो। उन्होंने रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ नेपाल से अप्रूवल ले लिया है और करंटली नेपाल में उनके दो शोरूम्स ओपन हो चुके हैं। सो ग्रेटा इलेक्ट्रिक हैज सम सीरियस पोटेंशियल प्रोडक्ट्स इन देयर लाइनअप और आने वाले समय में हमें इस ब्रांड की तरफ से बहुत सारी EVs देखने को मिल सकती है एंड आई वुड डेफिनेटली लव टू सी मोर ऑफ सच EVs फ्रॉम दिस कंपनी। और आज की न्यूज नंबर 5 आ रही है अटू मोबाइल से। अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ वीक्स पहले ही मेरे इसी सीरीज के वीकली न्यूज अपडेट वीडियो में अटू मोबाइल के चार्जिंग स्टेशन सेटअप करने के बारे में एक न्यूज दी थी और अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। सो फॉर दोज हु डू नॉट नो, अटू मोबाइल इज अ हैदराबाद बेस्ड EV स्टार्टअप जिन्होंने पिछले साल अटूम 1.0 इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया था, जो एक कैफे रेसर लुक से इंस्पायर्ड मोटरसाइकिल है और अब उन्होंने इसी मोटरसाइकिल को शोकेस करने के लिए एक प्रीमियम शोरूम ऑन व्हील्स शुरू कर दिया है। कंपनी का मानना है कि ऐसा करने से लोगों को हर बार उनके शोरूम तक आने का कष्ट नहीं उठाना पड़ेगा और इस शोरूम ऑन व्हील्स की मदद से ऑटोमोबाइल उनके पोटेंशियल कस्टमर्स के डोरस्टेप तक पहुंच पाएंगे। उसके साथ ही वो उनके कंज्यूमर्स को टेस्ट राइड्स भी दे पाएंगे जो उन्हीं के लोकेलिटी में ऑफर की जाएगी और वो कॉलेजेस और कैफेज के आसपास जहां जनरली ज़्यादातर यूथ प्रेजेंट होता है वहां जाकर उनके टारगेट ऑडियंस को अट्रैक्ट कर पाएंगे। ऑटोमोबाइल हैज़ प्लान्स टू इंट्रोड्यूस 10 शोरूम्स ऑन व्हील्स इन द नेक्स्ट 1 ईयर इन हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, कोची, गोवा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, जयपुर एंड गुड़गांव। सो ऑटोमोबाइल हैज़ एक्चुअली थॉट ऑफ दिस मार्केटिंग स्ट्रेटजी फॉर गेटिंग मोर कस्टमर्स एंड आई थिंक इन द लॉन्ग रन ये उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है। तो जिन्होंने वीडियो यहाँ तक देख लिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर नॉट क्लोजिंग द वीडियो मिडवे। और आज मैं आप लोगों को एक बोनस न्यूज देना चाहता हूँ। सो दिस बोनस न्यूज इज कमिंग फ्रॉम Hyundai और ये न्यूज मेरे लिए बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज है एंड द न्यूज इज दैट द Hyundai's इलेक्ट्रिक SUV विच इज कॉल्ड एज द आयोनिक 5 उसे रिसेंटली चेन्नई के रोड्स पर देखा गया एंड सरप्राइजिंगली इट वॉज रोमिंग अराउंड विदाउट एनी कैमोफ्लाज। अब इसका क्या मतलब हो सकता है ये आपको ऑलरेडी पता चल चुका होगा और शायद अगले साल तक ये इंडियन मार्केट में उतारी जा सकती है, बट अगेन आई एम सेइंग उतारी जा सकती है। Hyundai ने अब तक इस बारे में कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है, इसलिए अब तक तो ये सिर्फ एक स्पेकुलेशन ही है। बाय द वे, मैंने Hyundai Ioniq 5 के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें इस गाड़ी के सारे फीचर्स और परफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस के बारे में एकदम डिटेल में बात करी हुई है। सो अगेन
अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में छोड़ दूंगा। यू कैन गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू गेट सम रेफरेंस। एंड इट्स टाइम टू रैप अप फॉर नाउ। दैट्स ऑल द न्यूज़ आई हैव फॉर यू दिस वीक। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा देन ड्रॉप अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर मेरे वीडियोस या मेरे कंटेंट को लेकर आपके मन में कोई भी सजेशंस या सुझाव या रिमार्क्स है, यू कैन सिंपली राइट देम डाउन इन द कमेंट्स बिलो। एंड इफ यू हैवंट ऑलरेडी, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट दैट बेल आइकॉन सो यू विल गेट नोटिफाइड एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। तो हमेशा की तरह अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीक एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे चार्ज्ड।